गुड मॉर्निंग एवरी वन अच्छा बच्चे हमने सेक्शन 96 सिक्स तक कल पढ़ लिया था एजीएम उसी से रिलेटेड बेटा कुछ सेक्शंस और हैं छोटे छोटे हैं अब ज़्यादा सेक्शन 97 सेवन पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ए जी एम एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 97 सेवन व्हेन वेन इज़ मेड इन कंप्लाइंग विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96 तो ठीक है अगर आप अगर आप एजीएम को नहीं बुलवाते हो सेक्शन 96 के प्रोविजंस के हिसाब से तो सेक्शन 97 क्या कर जाएगा अप्लाई कर जाएगा मतलब अगर आपने सेक्शन 96 के प्रोविजंस के हिसाब से एजीएम नहीं बुलवाई एजीएम को बुलवाने में डिफॉल्ट कमिट करा तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है बेटा एजीएम को बुलवाने की सेक्शन 97 में राइट ऑफ मेंबर टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नाइन्टी सिक्स एनी मेंबर में मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल तो ठीक है अगर कंपनी नाइनटी सिक्स के प्रोविजन के हिसाब से ए जी एम को होल्ड नहीं करती है तो हर मेंबर के पास ये राइट right है कि वो ट्रिब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और ट्रिब्यूनल के पास फिर ये राइट right है फिर ये पावर है कि वो कंपनी को डायरेक्शन दे सकती है कि एजीएम बुलवाई जाए क्या पावर है बेटा ट्रिब्यूनल के पास सेक्शन 97 में ट्रिब्यूनल में कॉल अ जनरल मीटिंग मतलब ट्रिब्यूनल खुद बुलवा सकती है या फिर डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ जनरल मीटिंग या किसी को डायरेक्शन दे सकती है कंपनी को डायरेक्शन दे सकती है कि जनरल मीटिंग बुलवाई जाए तो या तो खुद बुलवा सकती है या डायरेक्शन दे सकती है कि बुलवाई जाए द ट्रिब्यूनल में गिव सच डायरेक्शन एज इट मे थिंक फिट इंक्लूडिंग अ डायरेक्शन दैट वन पर्सन प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी शाल बी द कोर अम्बेटा ट्रिब्यूनल के पास ऐसी पावर है ट्रिब्यूनल के पास ऐसी पावर है कि ट्रिब्यूनल यह भी डायरेक्शन दे सकती है कि सिर्फ एक ही पर्सन को कोरम मान लिया जाएगा अब चाहे वो पर्सनली प्रेजेंट हो या वो प्रॉक्सी के रूप में प्रेजेंट हो उसी को कोरम मान लिया जाएगा और मीटिंग के साथ प्रोसीड किया जाएगा मतलब अगर एक भी मेंबर आ गया ना तो उस मीटिंग को वैलिड मीटिंग मान लिया जाएगा ठीक है सेक्शन 98 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ई वैसे बेटा ईजीएम पे मैंने अभी ज्यादा डिस्कशन आपसे करा नहीं है सेक्शन हंड्रेड में आपसे करूंगा लेकिन ईजीएम में बेटा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब हमने टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ा था कि ईजीएम को बुलवाने की पावर ट्रिब्यूनल के पास होती है अंडर सेक्शन 98 बोर्ड के पास होती है अंडर सेक्शन 100 और इवन ईजीएम को बुलवाने की पावर्स मेंबर्स के पास भी होती है अंडर सेक्शन 100. तो अभी सेक्शन 100 बेटा बाद में पढ़ेंगे अभी पढ़ रहे हैं 98. ठीक है क्या कह रहा है इम प्रैक्टिकेबल टू कॉल एन ई इफ फॉर एनी रीजन इट इज इम्प्रैक्टिकब practicable to call or hold an EGM, the tribunal may order an EGM to be called, held and conducted in such manner as it thinks fit. to agar kisi reason ki वजह se EGM को बुलवाना possible नहीं हो पा रहा है कंपनी के लिए, तो tribunal direction दे सकती है कि भैया EGM को बुलवाया जाए, hold किया जाए, उसे conduct करवाया जाए, ठीक है? Power of tribunal. द ट्रिब्यूनल में गिव सच डायरेक्शन एज इट मे थिंक फिट इंक्लूडिंग अ डायरेक्शन दैट वन पर्सन प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी शाल बी द कोरम यहां पर भी बेटा ट्रिब्यूनल के पास वही पावर है मतलब ट्रिब्यूनल डायरेक्शन दे सकती है कि एक भी मेंबर अगर प्रेजेंट है ना तो उसे कोरम मान लिया जाएगा अब चाहे वो पर्सनली प्रेजेंट हो या प्रोक्सी के फॉर्म में प्रेजेंट हो वेन आर द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द ट्रिब्यूनल तो बेटा सेक्शन नाइनटी एट में सुनो द ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज सच पावर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ मेंबर ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ डायरेक्टर और अब सुनो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, सेक्शन 97 और सेक्शन 98, दोनों में क्या डिफरेंस है 97 एजीएम की बात करता है 98 ईजीएम की बात करता है ठीक है एक और डिफरेंस है बेटा 97 में एजीएम बुलवाने की पावर ट्रिब्यूनल को दी गई है ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड अ मेंबर मेंबर अगर एप्लीकेशन फाइल करता है तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो एजीएम बुलवा सकती है जबकि बेटा 98 में ईजीएम को बुलवाने की पावर ट्रिब्यूनल के पास है ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ मेंबर मेंबर अगर एप्लीकेशन फाइल करता है तो भी बुलवा सकती है डायरेक्टर अगर फाइल करता है तो भी और सुवामोटो भी सुवामोटो मोटो मतलब अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से भी बेटा अपनी मर्जी से भी बुलवा सकती है बेटा ठीक है अच्छा पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 96, सिक्स नाइनटी सेवन नाइनटी एट सेक्शन नाइनटी नाइन है बेटा अगर कोई पर्सन 96, सिक्स नाइनटी सेवन एट के प्रोविजन का क्या करता है उल्लंघन 96 सिक्स था एजीएम का 97 सेवन था ट्रिब्यूनल की पावर टू कॉल एन एजीएम 98 एट है ट्रिब्यूनल की पावर टू कॉल एन एजीएम टू कॉल एन ई तो कोई पर्सन अगर 96, 97, 98 के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है तो बेटा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 99 में इफ डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग ए जी एम अंडर सेक्शन नाइन्टी सिक्स एंड नाइन्टी सेवन और ई जी एम अंडर सेक्शन नाइन्टी एट इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद डायरेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल हु शैल बी लाइबल बेटा कौन लाइबल होगा सेक्शन नाइन्टी नाइन में कंपनी और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट कितना फाइन लगेगा बेटा अप टू रुपीज वन लैख और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है चलता ही जा रहा है तो पांच हजार रुपए रोज का बेटा ठीक है सेक्शन 121 बेटा रिपोर्ट ऑन एजीएम सिंपल है ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 121 ट्वेंटी वन अप्लाइस टू ओनली लिस्टेड कंपनी याद रखना बेटा सेक्शन 121 के प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई करेंगे अनलिस्टेड के ऊपर नहीं लीगल रिक्वायरमेंट्स टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन ईच एजीएम द रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर इन

दिनों के अंदर अंदर एजीएम कंक्लूड करने के तीस दिनों के अंदर अंदर आपको एजीएम के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी एजीएम के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी एजीएम में प्रोसीडिंग्स क्या क्या कंडक्ट हुई है किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है सारी बातें एजीएम की जो रेलेवेंट है मेटीरियल है बेटा आपको वो सारी बातें आर को बतानी पड़ेगी विद इन थर्टी डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ ए बेटा ये रिपोर्ट किसके पास फाइल करनी है आर के पास कितने दिनों में विद इन थर्टी डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ ए बेटा ये रिपोर्ट फाइल होती है फॉर्म एम ये देखो रूल्स में लिखा हुआ है बेटा फॉर्म एम जी टी फिफ्टीन में विद इन थर्टी डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ ए जी एम रूल थर्टी वन है बेटा रूल थर्टी वन तो मैं दोबारा बोल देता हूं बेटा सेक्शन वन ट्वेंटी वन कहता है कि लिस्टेड कंपनीज़ को एजीएम होल्ड करनी है कंडक्ट करनी है कन्वीन करनी है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक रिपोर्ट बनानी है फॉर्म एम 15 में और सबमिट करा देनी है आर को विद इन थर्टी डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ ए ठीक है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन

फिक्स पेनल्टी तो कितनी हो गई बेटा एक लाख रुपए और वेरिएबल पेनल्टी कितनी हो गई रोज की पांच सौ रुपए मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है पांच लाख रुपए कंपनी के ऊपर अच्छा जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है बेटा उसके ऊपर मिनिमम पेनल्टी बेटा पच्चीस हजार वेरिएबल पेनल्टी है रोज की पांच रुपए मैक्सिमम जा सकती है बेटा एक लाख रुपए तक तो कंपनी के ऊपर मिनिमम एक लाख प्लस वेरिएबल कितनी है पांच सौ रुपए रोज का मैक्सिमम पांच लाख है ऑफिसर के ऊपर मिनिमम पच्चीस हजार प्लस वेरिएबल पांच सौ रुपए रोज की मैक्सिमम जा सकती है एक लाख रुपए तक अब बेटा इससे रिलेटेड रूल थर्टी वन है कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स का क्या कहता है मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट रिपोर्ट ऑन एजीएम शैल बी प्रिपेयर इन एडिशन टू द मिनट्स ऑफ एजीएम एक बात याद रखना बेटा मिनट्स मिनट्स में जो बातें आती है ना बेटा कंटेंट्स आते हैं जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कंटेंट्स बेटा रिपोर्ट के भी होते हैं वही सेम बातें आपको मिनट्स में भी देनी है वही सेम बातें आपको रिपोर्ट में भी देनी है तो आप ये नहीं कर सकते कि ये काम करते हैं मिनट्स की जगह रिपोर्ट ही बना लेते हैं बेटा रिपोर्ट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मिनट्स मिनट तो बनाने ही बनाने हैं उसके अलावा आपको रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी मतलब रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन एडिशन टू द मिनट्स रिपोर्ट नॉट सब्सटीट्यूट मिनट्स द रिपोर्ट शैल कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एजीएम तो एजीएम में बेटा जो जो प्रोसीडिंग्स जो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं वो सब बातें बेटा ए जी आपकी रिपोर्ट में मैंशन करी जाएंगी जैसे देखो देखो कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट क्या क्या बातें आएंगी बेटा रिपोर्ट में देखो द डे डे टाइम वेन्यू ऑफ ए जी एम ए जी एम कौन से दिन हुई किस डेट को हुई कितने बजे हुई कहां पर हुई कन्फर्मेशन विध रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नंबर ऑफ मेम्बर्स हु ए जी एम अटेंडेंस कितनी थी कोरम था या नहीं बिजनेस क्या ट्रांजेक्ट हुआ और उसका रिजल्ट क्या है मतलब कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए कौन कौन से पास नहीं हुए पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एनी एडजमेंट पोस्टपोनमेंट और चेंज इन वेन्यू एनी अदर पॉइंट रेलिवेंट फॉर इंक्लूजन इन रिपोर्ट तो ये सब बातें बेटा आपके रिपोर्ट ऑफ ए जी एम में मैंशन करी जाएंगी साइन कौन करेगा बेटा रिपोर्ट को रिपोर्ट शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन और अगर किसी वजह से वो साइन नहीं कर पा रहा है तो दो डायरेक्टर्स का साइन होगा जिसमें से एक बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है एंड कंपनी सेक्रेटरी का साइन होगा तो याद रखना रिपोर्ट पे चेयरमैन का साइन होगा अगर चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है तो दो डायरेक्टर्स का होगा जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए प्लस कंपनी सेक्रेटरी का होगा और रिपोर्ट बेटा एमजीटी फिफ्टीन में फाइल होगी विद इन थर्टी डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ एजीएम अलॉन्ग विद्राइब फीस किसके पास आर ओ सी के पास बेटा तो सिंपल सा था ठीक है ये आपका बेटा चार सेक्शंस छोटे छोटे हमने इस लेक्चर में डिस्कस करे हैं बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रॉबेबली ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा टिल देन थैंक यू